रन करता है फिर ट्रांसलेट करता है ट्रांसलेट द इंटायर प्रोग्राम बिफोर रनिंग एंड ट्रांसलेट द प्रोग्राम लाइन बाई लाइन अंटिल कंप्लीटेड और एर इज फाउंड नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फर्स्ट इज मस्ट नो लॉट ऑफ लैंग्वेजेस कैन नॉट इजीली बी कैटेगराइज एज हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज लाइक सी इज कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज बट देर इज इनफ स्कोप फॉर हाई लेवल एबस्ट्रक्शंस इन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन फॉर आ स्पेसिफिक टास्क एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है बहुत से जो ऑपरेशन होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए किस परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक टास्क के स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म करता है ये ऑपरेशन ऑपरेशंस को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर मेनली ऑफ़ टू टाइप्स ऑपरेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इनकी दो टाइप्स हैं ज़्यादातर वो कौन सी ज़्यादातर यूज़ होती हैं पैकेजेस एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर पैकेजेस क्या है पैकेजेस देयर आर सम जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट देयर आर सम जनरल पर्पज इसमें क्या है कि कुछ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के होते हैं जो कि डेवलप किए जाते हैं यूज़र के लिए ताकि वो परफॉर्म कर सकें स्पेसिफिक टास्क को किसकी बेस पे रिक्वायरमेंट Require, की बेस पे जो है वो उसको परफॉर्म कर सके सच सॉफ्टवेयर और कार्ड एप्लीकेशन पैकेजेस कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर uh, क्या होते हैं ये जो सॉफ्टवेयर है उनको क्या कहा जाता है एप्लीकेशन पैकेजेस भी कहा जाता है सम पैकेजेस यूज्ड ऑन कंप्यूटर और कुछ पैकेजेस जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर में वो कौन कौन से पैकेजेस हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इट इज़ यूज टू प्रोसेस टेक्स टू क्रिएट ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अब ये इस्तेमाल होता है प्रोसेस टेक्स ये किसके लिए इस्तेमाल होता है प्रोसेस टेक्स टू क्रिएट ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट के लिए फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है नेक्स्ट पेज नंबर इस टेन एलक्ट्रॉनिकट वाट इज इलेक्ट्रॉनिक सपरेट इलेक्ट्रॉनिक सपरेट हेल्प इन टू डूइंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल टास्क ये किस लिए इस्तेमाल होती है ये मदद करती है अकाउंटिंग और फाइनेंशियल टास्क के लिए मीन्स इनको करने के लिए इस्तेमाल होती है फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सल और लोटस वन ट्वेंटी थ्री ये हमारे पास क्या है ये दोनों जो हैं वो ये दोनों सप्रेट शीटें इलेक्ट्रॉनिक सप्रेट शीटें जो कि मदद करती हैं अकाउंटिंग और फाइनेंशियल टक को करने के लिए नेक्स्ट इज़ प्रजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रजेंटेशन बाई इंक्लूडिंग टेस्ट ये जो है ये इस्तेमाल होती है प्रजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए इंक्लूडिंग टेस्ट जिसमें इंक्लूड होते हैं क्या टेक्स्ट ग्राफिक्स एंड एनिमेशन साउंड वीडियो एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जिसमें जिसकी मिसाल क्या है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है नेक्स्ट इज डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम Uh, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है डी बी एम एस आपने याद रखना है कि अगर कहीं डी पी एम एस आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना आपको पता होना चाहिए डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका मतलब है अ डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा ये एक कलेक्शन है किसकी डाटा की एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ अ डाटा बेस और इससे रिलेटेड जितनी भी डाटा बेस की इंफॉर्मेशन होती हैं उसकी ये कलेक्शन होती है डाटा की डाटा की कलेक्शन होती है और जितनी भी इससे रिलेटेड जो है वो डाटा बेस Uh, की इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में इट इज़ यूज टू हैंडल द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर और ये इस्तेमाल होती है किस लिए कि जो भी बहुत बड़ा अगर डाटा होता है स्टोर हुआ होता है उसको ये uh, क्या करने के लिए हैंडल uh, करने के लिए इस्तेमाल होती है एग्जांपल क्या है इसकी माइक्रोसॉफ्ट असेस नेक्स्ट इज़ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज़ मेड एज पर द स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गनाइजेशन अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है वो इज मेड एज पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गनाइजेशन द यूजर ऑफ स्पेसिफिक वर्क स्पेसीफाई वॉट आर द रिक्वायर फ्रॉम द सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ ब्यूर टू दिश द स्पेसिफिक टास्क दिस इज़ आल्सो नाउन एज अ टेलर मेड सॉफ्टवेयर फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर मेड फॉर होटल मैनेजमेंट सिस्टम वुड भी डिफिकल्ट डिफरेंट फ्राम डैट ऑफ एन एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम कस्टमाइज सॉफ़्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक कस्टमाइज कस्टमर्स के लिए बनाया जाता है कस्टमर इसको जो है वो ऑर्डर दे के बनवाते हैं इन कस्टमाइज uh, सॉफ्टवेयर को uh, ये जो है ये कस्टमर्स के लिए जो है ये बनाया जाता है किसी स्पेसिफिक नहीं है. जो भी कस्टमर अगर कोई ऑर्डर देता है कि उसको किस तरह के जो है वो सॉफ्टवेयर बनवाना है तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको सॉफ्टवेयर बना देते हैं और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है और किसी स्पेसिफिक uh, टास्क के लिए होता है नेक्स्ट इज नाउ यू नो अब आप जानते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फर्स्ट इज़ ऑपरे ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर डेट कंट्रोल दल एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सिस्टम uh, सॉफ्टवेयर है जो कि कंट्रोल करता है जितनी भी कंप्यूटर के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही थी उन सब एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है नेक्स्ट इज़ यूटिलिटी प्रोग्राम हेल्प इन प्रोवाइडिंग एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ टू द ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम जो है वो हेल्प करता है एडिशनल एडिशनल जितनी भी एडिशन की फंक्शन functional, फंक्शनैलिटी होती हैं उनको मुहैया करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो तरह के टाइप्स होती हैं कौन कौन सी होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज नेक्स्ट इज़ मशीन लैंग्वेज जो है वो uh, क्या है एंड असम्बली लैंग्वेज मशीन और असम्बली लैंग्वेज दो टाइप्स हैं किसकी लो लेवल लैंग्वेज की उसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसर आर आल्सो नाउन एज ट्रांसलेटर प्रोग्राम लैंग्वेज प्रोसेसर को जो है वो क्या कहा जाता है ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स भी कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल होता है परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक टास्क एक खास किस्म का टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है देर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी दो तरह की टाइप्स होती हैं एक पैकेजेज पैकेज एंड एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर next is kita computer software a set of programs that provide the instruction for a computer to perform some task second is multi-user it allows several users to access the same data at the same time multitasking it is the ability to run two or more programs at the same time data comparison it is the process of reducing the size of content or data in volume नेक्स्ट इज मैनीमोनिक्स इट इज़ अल्फाबेटिकल अप्रिविएशन यूज एज अ मेमरी एड एट इज मैनमानिक मैनीमोनिकूज फॉर एडिशन डी बी एम एस डाटा बेस मैनेजमें मैनेजमेंट सिस्टम इज अलोकेशन और इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन नेक्स्ट इज एक्सरसाइज चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड्रॉय इन द स्पेस प्रोवाइडेड आपने क्या करना है चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को और आपने जो ये स्पेस दी है इसके अंदर आपने उसको लिख भी देना है फर्स्ट इज अटैच इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन फ़ॉर अ कंप्यूटर अब आपने बताना है कि वो कौन सी कलेक्शन है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रोवाइड करती है कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रोवाइड करती है इंस्ट्रक्शन ऑफ़ फॉर अ कंप्यूटर कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन के लिए अब वो कौन सी है फर्स्ट इंटरनेट सेकेंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सी एंटीवाइस तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर आ कंप्यूटर। नेक्स्ट पेज नंबर इज़ इलेवन सेकेंड इज़ एंटी वायरस एंटी वायरस एंड फाइल मैनेजर्स आर डैश एंटी वायरस और फाइल मैनेजर्स जो हैं वो क्या हैं आपने बताना है यूटिलिटी प्रोग्राम ट्रांसलेटर या फिर सॉफ्टवेयर तो एंटी वायरस और फाइल मैनेजर्स क्या हैं सॉफ्टवेयर है ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन थर्ड इज़ डैश इज़ एन एग्ज़ैम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपने बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसकी एग्जाम्पल क्या है ए इंग्लिश बी एंड्रॉयड सी फॉर ट्रेन तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन एंड्रॉयड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर इज़ एन डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर डेट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इंटू मशीन लैंग्वेज आपने बताना है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करते हैं असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को मशीन कोर्स में तो फर्स्ट इज़ कंपाइलर बी असेंबलर सी इंटरप्रेटर तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड assembler इज़ a सॉफ्टवेयर that कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इन टू मशीन कोड फिफ्थ इज डैश लैंग्वेज इज अ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने बताना है कि वो कौन सी लैंग्वेज है जो कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ए पास्कल बी बेसिक एंड सी सी तो ऑप्शन सी इज़ द प्रोडक्ट ऑप्शन सी लैंग्वेज इज अ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिक्स इज डैश इज द प्रॉपर्टी डैट अलाउज एवर यूजर टू असैस द सेम डाटा एट सेम टाइम आपने बताना है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि अलाउ करती है सेवरल यूज़र को कि वो असेस करे वो चलाए सेम डाटा को सेम टाइम में तो मल्टी टास्किंग मल्टी यूज़र या मल्टी मीडिया तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन मल्टी यूजर इज़ द प्रॉपर्टी डाटा अलाउस सेवरल यूज़र टू असैस द डाटा सेम डाटा एट द सेम टाइम नेक्स्ट इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स फर्स्ट इज़ सम यूटिलिटी प्रोग्राम आर अवेलेबल इन द सिस्टम टूल सेक्शन ऑफ असरीज Second is dash language is used to create the web page Java. Third is a compiler convert the high level language into machine code compiler. Fourth is a customized software is also known as dash tailor-made software. Fifth programming language can be classified as dash and dash, low level language and high level language. Sixth is dash allow you to take the backup copy of data or a disk backup utility. सेवंथ इस पी एच पी इज़ नॉन एज हाइपर टेक्सट प्रोसेसर करेक्ट एंड क्रॉस द रोंग वंस कोबोल इज़ यूज एज आ टीचिंग लैंग्वेज कोबोल जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होती है टीचिंग लैंग्वेज के लिए सो so, ये क्या है? हमारे पास ये फॉल्स है ये रॉन्ग है कोबोल जो है वो टीचिंग लैंग्वेज के लिए यूज़ नहीं होती कबोल जो है वो किसके लिए यूज़ होती है uh, ये हमारे पास जो है वो बिज़नेस डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है और जो बेसिक है वो हमारे पास टीचिंग लैंग्वेज के लिए यूज़ होती है तो इसकी थ्री राइट आपने कर लेना है सेकंड इज़ अ कंपाइलर कन्वर्ट द हाई लेवल प्रोग्राम इन लाइन बाय लाइन जो हमारे पास कंपाइलर है वो कन्वर्ट है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन आपने ये बताना है कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है सो ये क्या है ये भी हमारे पास फॉल्स है ये आ, फुल जो है इसको कंप्लीट जो है वो कन्वर्ट करती है ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट नहीं करती थर्ड इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है तो ये हमारे पास ट्रू है सी प्लस प्लस एंड जावा आर हाई लेवल लैंग्वेज सी प्लस प्लस और जावा जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है तो ये भी हमारे पास ट्रू uh, है फिफ्थ इज़ विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर आर यूज़लेस सिस्टम uh, सॉफ्टवेयर के बगैर जो है वो कंप्यूटर किसी काम का नहीं होता ये भी हमारे पास ट्रू है सिक्स इज इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट हेल्प्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल टास्क इलेक्ट्रॉनिक सेपेट जो है वो हमारी हेल्प करता है कि इसमें अकाउंटिंग और फाइनेंशियल टास्क में तो ये भी हमारे पास ट्रू है तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो दोनों जो है फॉल्स हैं तो इसकी मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी ट्रू स्टेटमेंट क्या है तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कबोल है कबोल की ये देखें इट इज़ मेनली यूज फॉर बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन आप ये भी लिख सकते हैं इसकी री राइट में और सेकंड जो है वो आप री में क्या लिख सकते हैं आप ये भी लिख सकते हैं कि बेसिक इज़ मेनली यूज एज अ टीचिंग लैंग्वेज उसके बाद सेकेंड हमारे पास कंपाइलर वाला तो ये क्या है कंपाइलर आसो कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इंटू मशीन लैंग्वेज और इसकी आपने री करके क्या लिखनी है आपने बताना है इट कन्वर्ट द कम्प्लीट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इन टू मशीन कोड इन वन को आप ये भी लिख सकते हैं या फिर आप अगर दूसरी लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाई लाइन आप ये भी रू राइट करके लिख सकते हैं नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट है डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड व्हाट आर द टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर थर्ड इज नेम सम ऑपरेटिंग सिस्टम नाउ आट इज़ यूज़ नाउ नाउट इज़ फोर्थ इज़ हु इज Uh, known as the father of Java programming language. Fifth is what is a language processor? What are its various types? Sixth is differentiate between high level language and low level language. Uh, what do you mean by database management system? Eighth is what do you understand by application, uh, application software? What are its various type? Ninth is what are the various advantages of using high level language? Next page number is twelve. Question number ten is. वट आर यूटिलिटी प्रोग्राम मैंशन एनी फोर यूटिलटीज एंड डिस्कस देयर इम्पोर्टेंस एलेवंथ इज वट डू यू मीन बाई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन विद एक्जाम्पल ट्वेल्थ इज वट आर द डिफरेंट टास्क परफॉर्म बाई एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सप्लेन इन ब्रीफ उसके बाद हमारे पास पजल है पजल आपने खुद सॉल्व करनी है इसके नीचे ब्लैक्स दी हुई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ इट कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाई लाइन इं टू मशीन को ये हमारे पास क्या इंटरप्रेटर है नेक्स्ट इज़ इट इट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इंटू मशीन लैंग्वेज ये क्या है असम्बलर नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डाटा एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो ये क्या है डाटा पेस मैनेजमेंट सिस्टम नेक्स्ट इज़ इट इज़ यूज फॉर बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग तो ये क्या है uh, कबोल ये गलत स्पेलिंग है ठीक है सी ओ बी ओ एल लास्ट में यहाँ पर ई e नहीं आता नेक्स्ट इज़ इट इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस तो यह क्या है जावा एंड नेक्स्ट इज़ इट कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन कोड इन वन को तो ये क्या है कंपाइलर